नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्या सर्वेश जी, आपसे कितनी बार कहा है कि अंदर आने से पहले डोर नॉक किया की? सॉरी रितु, तुम तैयार हो रही थी तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैं बस निकल ही रहा था कि तुमने देख लिया। अच्छा चलिए बताइए, क्यों आए आप यहाँ पे? 2 महीने से रेंट नहीं दिया तुमने, बस वो ही लेने आया था। अगर पैसे की कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। 2 महीने से मेरी भी सैलरी नहीं आई इसलिए रेंट नहीं दे पाई। अगले हफ्ते मेरी सैलरी आ जाएगी और पहले आपका रेंट दे दूंगी। हाँ हाँ आराम से, बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इंतजार का फल मीठा होता है बेबी। अच्छा पहले ये बताओ कि सुबह सुबह मुझे रेडी होने को क्यों बोल दिया? आज मैंने तुम्हारे लिए ऑफिस से छुट्टी भी ले ली और तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि हम जा कहाँ रहे हैं। आज मेरे कैफे का इनॉग्रेशन है ना, हम वहीं जा रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस रोहित, ये तो बहुत खुशी की बात है। और पहले तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं? अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे देता? वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज मन नहीं कर रहा मेरा कहीं बाहर जाने का। अच्छा तो क्या मन कर रहा है? तुमसे प्यार करने का। घर मेरा, रितु का मकान मालिक मैं। रितु के मजे कोई और ले रहा है, इसके बॉयफ्रेंड का कुछ तो करना होगा, नहीं तो हाथ मलते रह जाऊंगा मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुम तो बाजार जाने वाले थे ना? अरे हाँ बाजार ही जा रहा था, सोचा रितु को रेंट के लिए याद दिला दूँ। 2 महीने से रेंट नहीं दिया उसने। खिड़की पे खड़े हो के कौन रेंट मांगता है? अच्छे से जानती तुम्हें भी और तुम्हारी नीयत को भी। अब चलो घर। देर हो गई रोहित, अब हमें निकलना चाहिए। इनॉग्रेशन के बाद मुझे स्टेशन भी जाना है। पुणे से मेरी फ्रेंड आ रही है, अब वो मेरे साथ ही रहेगी। अच्छा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं बाबा, तुम्हारा कैफे का पहला दिन है, तुम्हारी जरूरत होगी ना वहाँ पे। तुम फ्री हो जाओ उसके बाद मुझे कॉल कर लेना। ओके बेबी चले। वैसे बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है तूने, घर भी और खुद को भी। कुछ भी। वैसे सच बताऊं, तेरे आने से तो बहुत खुश हूं मैं। और सुन, वो रहा तेरा रूम,
सुबह से ही रेडी कर लिया था। तू जाके फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। यार मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। वाइन चलेगी? ऐसे एक बात बता, अचानक से तूने मुंबई आने का डिसीजन कैसे ले लिया? जब मैं तुझे पहले बुलाती थी, पहले तो तू साफ मना कर देती थी, मैं मोहित को छोड़कर कभी नहीं आ सकती, और आज कैसे आ गई अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर? क्योंकि अब मोहित मुझसे बहुत दूर जा चुका है। मतलब? मतलब ये कि कुछ महीनों पहले ही हम दोनों का ब्रेकअप हुआ। व्हाट? ब्रेकअप के बाद मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, मॉम डैड भी मुझे लेकर परेशान रहने लगी थी, इसलिए लाइफ में चेंज के लिए मैंने पुणे छोड़ दिया और अब मुंबई आ गई हूँ और बस अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। बट मोहित और तेरे बीच में ऐसा हुआ क्या? आई एम रियली सॉरी रितु, बट मैं मोहित के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं ये सब कुछ भुला कर बस अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तूने लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन ले ही लिया है तो मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी। कैसा रहा कैफे का पहला दिन? फैंटास्टिक, सबने काफी तारीफ की। वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा मैं यहाँ से फ्री हो चुका हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ओके, जल्दी आ जाओ, आई एम वेटिंग। बाय। बॉयफ्रेंड? वाओ रितु, तूने बताया क्यों नहीं? क्या नाम है, कहाँ मिले? रोहित, पहली बार मुंबई में ही कॉलेज में मिले थे, साथ में एमबीए की, पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में कब बदल गई कुछ पता नहीं चला। हाय हाय, तो कब मिला रही है अपने रोहित से? बस थोड़ी देर में आता हूँ। कौन? ये रोहित और ये मेरी बचपन की फ्रेंड वैशाली। हाय। कम। तुम लोग बात करो, मुझे ऑफिस से कॉल आया है। हाँ? रितु ने तुम्हारे बारे में बताया था, अच्छा हुआ कि तुम उसके साथ शिफ्ट हो रही हो, अब उसे भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे आगे का क्या प्लान है? आई मीन मुंबई में क्या करोगी? अब मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने सोचा है कि कोई अच्छा सा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लूंगी और साथ ही साथ टीवी और फिल्म्स के लिए एक्टिंग के लिए ऑडिशंस भी दूंगी। तो मैं देखते ही समझ गया था कि तुम किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हो, और वैसे भी तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को टीवी फिल्म्स की बहुत जरूरत है, तुम्हें मौका जरूर मिलेगा और बहुत जल्दी तुम बहुत बड़ी फिल्म स्टार बन जाओगी। सोच रहा हूँ कि अभी से ऑटोग्राफ ले लूँ तुम्हारा। बस बस बस, हाँ अब तुम बहुत ज्यादा ही बोल रहे हो। बातें हो गई, रूम में चले।
क्या बात है, आज बहुत जोश में लग रहे हो तुम। जिसकी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत है उसका जोश कैसे कम हो सकता। अच्छा, बच गए, कहीं चलते हैं ना बाहर डिनर पे। वैसे भी आज तो तुम्हारे कैफे का इनॉग्रेशन था, पार्टी तो बनती है। वैसे डिनर से काम चल जाएगा मेरा। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, कहीं बाहर चलते। ओके। नाइस टू मीट यू। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और अब मिलना जुलना तो चलता रहेगा। अपना नंबर दो। अब सॉरी गाइस। अरे तुम ही चलना हमारे साथ। नहीं यार। हाँ वैशाली, ये तू ठीक कह रही है, तुम क्या अकेले करोगी, हमारे साथ चलो, हमारे साथ डिनर कर लेना। सॉरी गाइस, फिर कभी चलते हैं ना, आज मैं बहुत थक गई हूँ। चल ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है। अच्छा सुनना, कैसा लगा मेरा बॉयफ्रेंड? एक नंबर। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। बाय बाय। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने सोचा है कि कोई अच्छा सा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लूँगी, और साथ ही साथ टीवी और फिल्म्स के लिए एक्टिंग के लिए ऑडिशंस भी दूँगी। ये क्या हो रहा है मुझे, जब से वैशाली से मिला हूँ उसी के बारे में सोच रहा हूँ। चले रोहित, रोहित, रोहित कहाँ खो गए? सॉरी, मैं अपने कैफे के बारे में सोच रहा था, कल काफी काम है वहां पे। कोई बात नहीं, सब ठीक हो, अब चले। रोहित चले। हाँ तो मैं देखते ही समझ गया था कि तुम किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हो, और वैसे भी तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को टीवी फिल्म्स की बहुत जरूरत है, तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। सोच रहा हूँ कि अभी से ऑटोग्राफ ले लूँ तुम्हारा। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और अब मिलना जुलना तो चलता रहेगा। अपना नंबर दो। अब सॉरी गाइस। रितु ने बताया था कि उसकी दोस्त आ गई है, कहाँ है वो, कहीं दिखाई नहीं दे रही, जरा हम भी तो देखें क्या चीज है वो। कौन है? अरे कौन है आप, और ऐसे कैसे घर में घुसा है? अरे नाराज मत होइए, मैं रितु का मकान मालिक हूँ, मतलब इस घर का मालिक। I'm so sorry, मुझे पता नहीं था। अरे कोई बात नहीं, रितु ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ आने वाली हो, इसलिए तुमसे मिलने आई। यहाँ पास में एक मिठाई की दुकान है, उसकी मिठाई बहुत फेमस है, मैं घर के लिए ले रहा था तो सोचा यहाँ के लिए भी ले लूँ। अच्छा
भैया नहीं, मेरा नाम सर्वेश है। तुम मुझे सर्वेश बुला सकते हो, ओके? तो मैं अभी निकलता हूँ। अरे रितु, तू रेडी नहीं हो अभी तक? चलना, मैं तुझे अपना ऑफिस दिखाती हूँ। यार आज तो मेरे दो दो ऑडिशंस हैं। एक काम कर, आज तू चली जा, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का तेरे साथ आऊंगी। ठीक है बाबा, तू कह रही है तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। मैं चलती हूँ, बाय बाय, गुड लक। थैंक यू। अंदर आओ ना। वो ऋतु बस अभी ऑफिस गई है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो पास में आया था, सोचा मिलता चलूं। अच्छा किया। वैसे भी ऋतु के जाने के बाद से मैं बोर हो रही थी। मुझे भी आज एक दो प्रोडक्शन हाउसेस में जाना है ऑडिशन के लिए। एड्रेस है मेरे पास, तुम बता दोगे कैसे जाना है? अरे बताने की क्या जरूरत है, मेरे साथ चलो, वैसे भी फ्री हूँ मैं। ठीक है, तो मैं रेडी होकर आती हूँ। सड़कों पे गड्ढे बहुत है, तुम कसके पकड़ के बैठना। रितु का बॉयफ्रेंड तो बहुत कभी ना निकला, पहले रितु और अब उसकी दोस्त, साला दोनों हाथों से लड्डू खा रहा है। कुछ करना होगा। आज कितने टाइम के बाद मैंने इतना एंजॉय किया। गई तो थी ऑडिशन देने के लिए, पर तुमने तो मुझे आधा मुंबई घुमा दिया। टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच रोहित। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए मैडम, फ्यूचर की इतनी बड़ी सुपरस्टार को अपनी बाइक पे बैठाने का मौका मिला। बस बस बस, हाँ ये बहुत ज्यादा हो गया अब। क्या ज्यादा हो गया भाई? रितु तू आ गई ऑफिस से? हाँ यार, थोड़ी देर पहले ही आई, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो इसलिए जल्दी आ गई।
तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आ जाता लेने। तुम्हें फोन किया था मैंने, पर तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। क्या हुआ, अभी ठीक है? लेकिन तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? वो मैं ऑडिशन के लिए गई थी ना, तो रोहित वहीं बाहर मिल गया था, तो बस मुझे ड्रॉप करने आया था। ओके, अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, थक गई होंगी, और खाना खा लेना। ठीक है। रूम में चले क्या? मेरी तबीयत ठीक कर दो प्लीज। आज कितने दिनों बाद इतना एंजॉय किया है मैंने। गई तो थी ऑडिशन देने के लिए, पर तुमने तो मुझे आधा मुंबई घुमा दिया। थैंक यू सो मच रोहित। मुझे लगा तुम सो गई होगी। दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। नहीं तो मुझे भी नहीं, पता नहीं मुझे क्या हो गया। जब से तुमसे मिली हूँ बस तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मेरा भी ऐसे ही हाल है वैशाली। जब से तुम्हें देखा है मन करता है कि तुम्हारे पास आऊं, तुम्हें देखूं। फिलहाल ये तुम्हें गर्लफ्रेंड है, और तुम्हारे लिए अलग से फीलिंग है। कैसी फीलिंग? प्यार वाली फीलिंग। मैं सच बोल रहा हूँ विशाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू विशाल। क्या बात है, काफी दिनों से देख रही हूँ, तो कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रहती फोन पे? कोई बॉयफ्रेंड बनाया क्या? अरे नहीं यार, बस ऐसे ही कास्टिंग वालों से चैट कर रही थी। वो क्या है ना कि आजकल इतने सारे ऑडिशन के कारण बहुत भाग दौड़ हो जाती है। एनीवेज वो सब छोड़, तू कॉफी पिएगी? या शो चल मैं बना कर आती हूँ। शायद हाँ वो मेरा फोन रह गया, मैं लाती हूँ कॉफी। वैशाली मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, शाम में आऊंगी।
हाय रितु, ऑफिस गई क्या? मैं रितु ही बात कर रही हूँ रोहित। वो रितु, तुम्हारा कॉल लग नहीं रहा था इसलिए विशाली के नंबर पे कॉल किया तुम्हारे बारे में पता करने के लिए। अगर आज फ्री हो तो कहीं बाहर चले? नहीं रोहित, अभी नहीं, मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रही हूँ, शाम में मिलते हैं, बाय। ओके। पता नहीं रितु ने क्या सोचा होगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? रितु को शक नहीं होगा हमारे पर, और मैंने बात को संभाल लिया था। और तुम ऐसे ही परेशान बैठी रहोगी तो मुझे प्यार कौन करेगा? वो पिज्जा बॉय होगा, मैं देखती हूँ। अरे रितु, तुम जल्दी आ गई। हाँ यार, वो मीटिंग कैंसिल हो गई इसलिए वापस आ गई। चल। रोहित, तुम कब आए? वो शाली को ऑडिशन के लिए कुछ कास्टिंग वाले को कांटेक्ट देने आया था, बस निकल ही रहा था कि तुम आ गए। मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? रितु, क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जो नोटिस किया है ना, वही बोल रही हूँ। पहले तुम्हारा विशाली के फोन पे मैसेज आना, देन फोन आना, घर पर भी आ गए। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। हाँ, मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, तुम बेवजह शक कर रही हो। बिलीव मी। हाँ रितु, तुम जैसे सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं, और वैसे भी रोहित तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो मैं तुम दोनों के बीच कैसे आ सकती हूँ? वो तो बस मेरी हेल्प करने आया था। सॉरी यार, शायद ऑफिस में प्रेशर की वजह से कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। I'm so sorry, हाँ? मैंने तुम दोनों पे शक किया। आज वैशाली को अपने साथ मूवी देखने लेकर जाऊंगा। सिनेमा हॉल में अंधेरा होगा और अंधेरे में वैशाली के गोरे गोरे गालों को चूमने का मौका मिलेगा। ये साला रोहित का बच्चा जब देखो घर में घुसा रहता है। जब से ये वैशाली आई है ना, इसका आना जाना कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है। इसकी खबर लेता हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो तुम घर पर नहीं थी ना, तो सोचा रितु के घर पे होगी, वही देखने जा रहा था। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मूवी के टिकट्स हैं, इसीलिए तो मैं जा रहा था। आज शाम को हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। वाह क्या बात है, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। चलो चलो जल्दी से तैयार होके निकलते हैं। चलो, चलो। Thank you.
कितना भी गलत कथन बने, मैं ऋतु को धोखा नहीं दे सकती। ठीक है, मैं ऋतु को बोल देता हूँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तो ऐसा सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। नहीं रोहित, तुम ऋतु से हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं कहो, राज की बात हम कभी नहीं, जो कुछ भी हमारे बीच था तुम प्लीज वो सब भूल जाओ। दो दिन हो गए वैशाली को घर से गए हुए, किसी को कुछ बताया भी नहीं ना फोन किया, पता नहीं अचानक क्या हो गया, शायद कुछ काम होगा उसे। हाँ हो सकता है। अच्छा रोहित लिसन ना, अगले हफ्ते ना मम्मी पापा आ रहे हैं यहाँ पे और वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं, इसी बहाने हम अपनी शादी की बात भी उनसे कर लेंगे। रितु एक बार मेरा बिजनेस सही से सेट हो जाए उसके बाद शादी की बात कर लेंगे। ठीक है बेब, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाय। हाय। आ गई तू? सिर्फ एक मैसेज किया कि घर जा रही हूँ, उसके बाद ना मेरा फोन उठाया ना खुद फोन किया। सॉरी यार, वो घर में थोड़ा बिजी हो गई थी। वैसे तेरे लिए गुड न्यूज़। क्या? मेरी एंगेजमेंट हो गई। अरे वाह। हो गई। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। अकेले अकेले सगाई कर ली और किसी को बताया भी नहीं। वो सब कुछ इतना जल्दी हो गया ना कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा ये सब छोड़, ये बता अपनी फियांसे से कब मिला रही है? आज ही। मैंने आज एक छोटी सी पार्टी रखी है यहाँ, बस तभी सबको अपने फियांसे से मिला दूंगी। I'm so happy. आ गया है आप सब से अपने फियोंसे को फाइनली मिलवाने का। मैं अभी आती हूँ। ऐसे कैसे भूल जाऊं, प्यार करता हूं मैं तुमसे, वहीं बिना नहीं रह सकता मैं। अगर ऐसा है तो हम सगाई कर लेते, अपने रिश्ते को एक नाम दे देते, फिर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ऋतु से भी नहीं। हाँ कुछ दिन नाराज रहेगी पर हम सुन रहे हैं। हाँ तो ठीक कह रही, हमें सगाई कर लेनी चाहिए। तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया ना, मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज शांत हो जाओ रितु, तुम्हें हम समझाते हैं। हाँ रितु देख, हमने तेरे साथ धोखा नहीं किया, मैं और रोहित एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए हमने सगाई। नहीं, रोहित से सिर्फ मैं प्यार करती हूँ और कोई नहीं, और उसके और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। समझ नहीं आ रहा है कि ऋतु को कैसे समझूं, तो वो बिना कुछ कहा ही चलेगी।
शादी के दिन आ गए। आप बिना मुझसे पूछे मेरे कमरे में कैसे चले आए? ये क्या कर रहे हैं आप? निकल जाइए यहाँ से। नाराज क्यों होती हो मेरी जान? मेरे पास बहुत पैसा है, उस दो कोड़ी के रोहित से भी ज्यादा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बस एक बार। अभी के अभी यहां से निकल जाओ, वरना पुलिस को फोन करके अंदर करवा दो। निकलो यहां से। मैंने प्यार का हाथ बढ़ाया और तुमने मुझ पे हाथ उठाया। तुम्हें यह हाथ उठाना बहुत महंगा पड़ेगा। हाय अजय, कैसा है यार? काफी दिनों बाद कॉल किया। अरे मेरा छोड़ यार, तुझे कुछ पता भी है? तेरी मंगेतर ने स्टेटस पर अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ की फोटो अपलोड की है और कैप्शन में लिखा है मिसिंग यू। मैंने फोटो तुझे व्हाट्सएप की है, तू भी देख ले। इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? अपने रिलेशन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों सोशल मीडिया पे अपनी फोटो अपलोड की? हमारे रिश्ते का तो मजाक बना के रख दिया तुमने, क्यों किया ऐसा? नहीं रोहित, ये सच है कि मैं एक रिलेशनशिप में थी, पर मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहती हूँ, पर कभी मौका ही नहीं मिला। पर प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं नहीं जानती कि मेरी वो पिक्चर्स वो किसने सोशल मीडिया पे पोस्ट की। तुम्हारे सिवा ये काम कौन करेगा वैशाली? तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया। खुश नहीं रहोगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो रोहित। रुको रोहित, वैशाली वैशाली, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैशाली, रोहित से बहुत प्यार करती थी, पर रोहित और वैशाली एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और कुछ ही दिनों पहले इन दोनों ने सगाई कर ली। मुझे पहले बहुत बुरा लगा था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि जो हो गया सो हो गया। और आज ऑफिस से आने के बाद मैं वैशाली से बात करने उसके रूम तक गई और वारदात की जगह पे हमें किसी भी प्रकार के जोर जबरदस्ती के निशान नहीं मिले। ऐसा लगता है कि वैशाली ने सुसाइड किया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। एनीवे, मैं चलता हूँ। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। वैशाली एक अच्छी लड़की थी, पता नहीं उसने सुसाइड क्यों कर लिया। रात काफी हो चुकी है, आप लोग चाहिए अभी सोच फिर तो मैं आप लोग को बुला लूंगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। वैशाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसने सुसाइड नहीं किया बल्कि गला घोटकर उसे मार डाला गया है। कातिल ने पहले उसका गला घोटा और उसके बाद उसके गले में रस्सी बांधकर उसे फैन से लटका दिया।
इंस्पेक्टर साहब, वैशाली को इसी ने मारा है, क्योंकि वैशाली की मौत से पहले इन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, दोनों की आवाजें बाहर तक जा रही थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, दोनों के झगड़े की आवाज बाहर तक आ रही थी। रोहित चिल्ला रहा था वैशाली के ऊपर। सच सच बताओ रोहित, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? क्यों मारा वैशाली को? क्यों मारा वैशाली को? बताओ मुझे, क्यों मारा वैशाली को? एक मिनट जाइए सब। वैशाली को रोहित ने नहीं, किसी और ने मारा है। वैशाली का मर्डर रोहित ने नहीं बल्कि रितु ने किया है। हमने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, वहां से पता चला कि तुम ऑफिस में गई ही नहीं, और तुम्हारे मोबाइल लोकेशन से हमें पता चला कि जिस दिन वैशाली का मर्डर हुआ तुम घर पर ही थी। सबसे बड़ी बात तो ये कि वैशाली की गर्दन में जो उंगलियों के निशान मिले वो तुम्हारे हैं। बताओ क्यों मारा तुमने वैशाली को? बोलो। क्योंकि उसने मेरा रोहित मुझसे छीन लिया था। मेरे साथ रहकर मुझे धोखा दिया। मैं उससे अपना रोहित वापस लेना चाहती थी। इसलिए जब वो सो रही थी तो चुपके से उसका मोबाइल लेकर सोशल मीडिया पर उसके बॉयफ्रेंड की पुरानी तस्वीरें अपलोड कर दी। और मैं चाहती थी इन सब से रोहित और उसके बीच में दरार हो जाए, और यही हुआ। मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तुम्हारे सिवा ये काम कौन करेगा वैशाली? तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया, खुश नहीं रहोगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो रोहित। रुको रोहित, बहुत बुरा हुआ ना, तुम्हें तो तुमसे गुस्सा होकर चला गया। मैं अच्छी तरह से ये सब कुछ तुमने किया। तुमने मेरी वो प्राइवेट पिक्चर्स अपलोड की सोशल मीडिया ताकि मेरे और रोहित के बीच में झगड़ा हो जाए। क्यों किया तुमने इसे? क्यों किया? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मेरे और रोहित की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ, इसलिए किया। तुम्हारे ये सपने में कभी पूरा नहीं हुआ। मुझसे मेरा रोहित छीन लिया ना तुमने, अब मैं तुमसे अपना रोहित वापस छीन लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। कुछ नहीं कर सकता मैं, अभी रोहित को फोन करके सारी सच्चाई। मैं बस वैशाली से अपना रोहित वापस चाहती थी। पर गुस्से में मैंने उसकी जान ले ली और उसको पंखे से लटका दिया। मैं डर गई, इसलिए खिड़की से कूद कर भाग गई ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। मुझे माफ कर दो रोहित, अपने प्यार को पाने के लिए मैंने अपनी दोस्त की जान ले ली। चलो ये चलो ही नहीं।